तो चलो लेट्स रोल. आपका मंत्र होने वाला है 2020 फॉर योर सेशन. एंड ईमानदारी से वंस यू हैव कवर्ड योर एंटायर 20 क्वेश्चंस देन मेंशन योर फाइनल स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है 3, 2, 1 लेट्स गो. सो 10 सेकेंड्स यू गेट टू रीड द क्वेश्चन एंड देन किल इट. Alright, this question super simple. अब आपको क्या है, यू आर गिवन 4 वेक्टर्स, यू हैड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. नीचे चैट बॉक्स में लिखते जाओ साथ साथ बिकॉज आई एम चेकिंग योर आंसर्स. ठीक है तो मैग्नीट्यूड ऑफ A1 क्या हो जाता है M1 विच इज 4+1+1 सो √6. M2 के लिए हो जाएगा 9+16+16 सो 41. M3 is going to be 111 root 3 and M4 is going to be 1+9+1 10. तो यार सबको पता है कि क्या होने वाला है order. ये है सबसे छोटा तो begin कहाँ से हो रहा है M3 से. Okay, जो सारे उसमें options हैं उसके बाद आ रहा है हमारा M1. तो यार इसका मतलब C and D तो गए. The answer has to be among A or B. उसके बाद आ रहा है हमारा M4. तो of course A for awesome is the desired answer. +1 मिला कि नहीं? Please mention that. जिन बच्चों को नहीं पता उनको फटाफट से बता दिया जाए. ये है आपकी 2020 सीरीज यानी 20 मार्क्स इन 20 मिनट्स चैलेंज जो होता है हर रात 8 बजे विद नेहा मैम ओनली ऑन वेदांतु मैथ. ठीक है तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रीड दिस सुपर डुपर केयरफुली. पढ़ा, मजा आया, क्रैक किया कि नहीं किया? आई एम श्योर कर दिया होगा. तो ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर. ठीक है यू हैव टू शो दैट This is a unit vector. मतलब उसके लिए ये चीज होनी चाहिए. This means magnitude of lambda into magnitude of A should be 1. यानी कि आपका options अगर आप देखो तो magnitude of A या A होती है एक ही बात. 1/magnitude of lambda should be the desired answer. हो गया ये question. खलास. Please make a note. चलिए गोइंग आगे. लेकिन उससे पहले मेक श्योर अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. क्योंकि इतनी मेहनत के बदले एक लाइक तो बनता है बॉस. एक लाइक की कीमत तुम क्या जानो बाबू. ओके जस्ट लाइक द वीडियो. ये क्वेश्चन टेढ़ा है पर मेरा है. मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने क्या आंसर किया होगा. अगर नहीं किया तो यू गाइज आर एक्सेप्शनल सुपर रॉकिंग. अब समझो दिस इज अ प्रॉब्लम टेकन फ्रॉम योर एग्जाम्पलर राइट. अब इसमें क्या करना है देखो. योर लैम्डा इज लाइंग बिटवीन -3 and 2. अब समझो इसका क्या मतलब हुआ. मॉड ऑफ लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए. मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो यार कोई टेंशन ही नहीं है. ये है ओके जी. अब क्या होता है बॉस. अब यूजुअली देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं. वन ऑफ द वे इज कि अगर मैं लैम्डा को ले लूं -3 ठीक है तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 4 into magnitude of -3 यानी कि 12. ओके इफ आई टेक लैम्डा टू बी 2 देन आई गेट 4 of mod 2 विच इज इक्वल टू 8. सो बहुत सारे बच्चों ने आंसर ये वाला कर दिया होगा. लेकिन गाइज थिंक ऑफ वन मोर सिचुएशन. अब क्योंकि यहाँ पे जीरोज भी गिवन है तो चेक तो करना बनता है बॉस. वन मोर थिंग, क्योंकि यहाँ मॉड लैम्डा की बात हो रही है इसलिए कोई भी नेगेटिव रेंज नहीं आने वाली. सो नेगेटिव अगर कुछ है तो उसको पहले ही काट दो. मुझे पता है कई बच्चों ने ऑप्शन बी भी सोचा होगा बट सिंस इट इज मॉड लैम्डा इट कांट बी नेगेटिव. तो अब इनमें से यार जस्ट टू बी डबली श्योर कि कहीं जीरो तो नहीं आ सकता. देखो समझो आपका जीरो जो एक वैल्यू है ऑल्सो लाइज बिटवीन -3 and 2. तो अगर मैं लैम्डा को जीरो वैल्यू दूं देन इन दैट केस 4 into 0 गिव्स मी अ जीरो. अब मुझे बताओ यार इफ आई हैव टू टेक द रेंज तो जीरो इज छोटा ना. इसका मतलब आंसर एक्चुअली ये नहीं होगा, ये होगा.
This is the quickest way to understand this, and of course you can make a note. Alright, let's move to question number 4 और देखते हैं इसका क्या होता है यार. This one was simple, you have to tell me this, right? क्या हो रहा है? The position vector of the point which divides the join of points, क्या points है? This and this in the ratio 3:1. See, if nothing is given in the question, you are going to assume that this is an internal division. That means अंदर से फूट है. What I mean to say is, if you have the vectors to be 2a minus 3b here and a plus b here. ठीक है जी, तो आपको निकालना है basically this internal point which is splitting it in the ratio 3:1. तो कुछ नहीं करना है यार, simple cross multiplication. So this will be thrice of a plus b plus 1 times 2a minus 3b and नीचे आ जाएगा 3 plus 1. फटाफट से बता दो क्या है option. I am looking at your chats now. I am sure बच्चों ने निकाल लिया होगा यार, इतना तो तुम पे है विश्वास, पूरा है विश्वास, तुम होगे कामयाब एक दिन. Alright, please make a note. Okay, time for question 5. लेकिन उससे पहले high five and hit the like button. मुझे अभी के अभी session खत्म होने से पहले 500 likes चाहिए. दोगे कि नहीं? फटाफट से. Read the question. आहा, ये question में मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ना ये वाला answer दिया होगा. मुझे पता है क्योंकि first time पढ़ते हो ना तो यही लगता है. क्योंकि हमने सीखा था projection vector of A on B, तो ये होगा. यही तो है कहानी में twist, तुम पर फेंका गुगली और तुम हो गए out. See, the thing is, if I ask projection of vector A on vector B, तब तो आंसर ये होने वाला था. बट ऑफ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पूछा है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी. ये वाला ऑफ मिसिंग है बीच में से, ध्यान से समझ लो. सो इन दिस केस द आंसर इज दिस. ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन कह रही है. सो देयर इज अ ह्यूज चेंज बिटवीन द टू, एंड इसीलिए आपको ये ऑप्शंस दी हुई थी मिसलीड करने के लिए. लेकिन आज हो गए, कोई बात नहीं. पेपर में ये क्वेश्चन आया तो नहीं होंगे. दिस वाज योर एनसीईआरटी एग्जेम्पलर क्वेश्चन. ओके, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 6. रीड दिस सुपर डुपर केयरफुली. Alright, would I have read the question? अब देखो, let me tell you one thing guys, जब ये ना similar सी चीज लगती है ना, इसका मतलब you just have to handle any one of them, observe the pattern and write the rest. ठीक है? For instance, I don't know what this vector A is, so let me assume this is some xi cap plus yj cap plus zk cap. Now, if I consider A cross I, तो क्या हो जाएगा? I, J, K and X, Y, Z and I cap के क्या direction ratios होते हैं? 1, 0, 0. ठीक है जी? So if I expand, यार I cap तो 0 दे देगा. With J cap, I will get this and with K cap, I am getting minus Y. Right guys? So that means I'm going to get what? Minus Y K cap plus Z J cap. Now if I do what? If I consider A cross I cap whole square, यानी कि अगर आप इसका sort of magnitude ले लो, लेकिन whole square है, so this is giving you, as you can see, y square plus z square. बस आपने, you just have to observe this pattern, and इसी तरह A cross J cap whole square क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ I था ना, तो x ही missing था. अब यहाँ J है, तो y missing होगा. So x square plus z square. And now if it is A cross K cap, तो यानी कि Z component would be missing. That's it. You just had to add all of these and आपका answer आ जाएगा twice of X square plus Y square plus Z square. यानी कि question killed, dead, slaughtered. Please make a note. Okay,
time for question number lucky 7. Let's see who all are able to score plus 1 in this one. The number of vectors of unit length perpendicular to this and this. Ab dekho, simple sa funda hai boss. You have to find the number of vectors. You have not been asked to find the exact vector. Number of vectors of unit length perpendicular to both the vectors. Maine aapko jab cross product padhaya tha, uske andar bataya tha that see if we talk of A cross B. यहाँ पे क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. ओके, एन कैप इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. तो ये एन कैप कैसा हो सकता है, डायरेक्शनली ऊपर या नीचे? दैट मीन्स द ऑप्शन हैज टू बी जस्ट टू. प्लीज मेक अ नोट. ओके, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8. रीड इट सुपर केयरफुली. Alright, A dot B is a 0, A cross B is a 0. By haath ka khel ho jayega ki nahi? See, A dot B is a 0 mein aapke paas kya options aati hain? A is 0 aur B is 0 aur the vectors are perpendicular. Theek hai ji? Okay, and A cross B equal to 0 ka kya hota hai? A is 0 aur B is 0 aur A is parallel to B. Now what is common guys? A is 0 or B is 0. See, A is perpendicular to B and A is parallel to B. So simultaneously, ho nahi sakta. Ho nahi sakta. So the only intersection that you find between the two options is D. D is the answer. Please make a note. Alright, time for question number 9. And we have box product. Box product. Oops. Please read the question. Alright, question number 9. Look at this super carefully. Which one of the following statements is correct? Ab dekho, if I talk of the box product A, B, C, toh yaar ye toh definition hi ho gayi. Theek hai? I mean, this is the definition. And we have also discussed ki agar inhe aap cyclic order mein move kar rahe ho, then they stay the same. So yani I can write ABC, or if I start with B and move cyclic order matlab aapne right move karte jana hai. So B, C, A, and if you start with C, then it has to be A and B. Theek hai? All of them are absolutely the same. So matlab ye bhi theek hai. And this is simply your definition. ये भी ठीक है, तो यानी all are correct. So D should be the desired answer. Please make a note. Okay, time for question number 10 बहाने करके question 10. Again your box product. अब look at this box product ना आपके determinant की तरह होता है. The properties are absolutely the same, guys. Under this video in the description box you will find a PDF jiska naam hoga 12th boards math 2020 ki full preparation. If you click on that, all the chapters have been covered in one shot. Theek hai? To abhi thodi der mein dikhaungi kaise you can reach to them. Usme jaake vectors in one shot revise kar sakte ho. Alright, so first of all, if I start with the LHS, I know I can split it like this. How can I do this? It's absolutely like your properties of determinant. ठीक है, तो एक row में अगर same हो, sum हो, किसी चीज का उसको split कर सकते हो, exactly the same thing. Now I can take two common. It's like taking two common from the first row. तो ये हो जाएगा A C D. Same way if I take four common, I'll be left with B C D. Now if I compare, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी आपका लैम्डा प्लस म्यू क्या होने वाला है? लैम्डा इज 2, म्यू इज 4, लैम्डा प्लस म्यू इज 6. ए फॉर ऑसम, ऑसम, ऑसम. लिखो इन द चैट बॉक्स, ऑसम, ऑसम. आई होप यू गॉट द आंसर. प्लीज मेक अ नोट.
Okay guys, I am protesting. Protest, protest, protest. Why protesting? Because I want you, अगर आप चाहते हो मैं इससे आगे बढ़ूं कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, इतना तो बनता है बॉस, ठीक है? So I'm giving you 3 seconds, फटाफट से, 3, 2, 1, I'm sure you have done it, so let's go आगे. This is your 11th question. So as you guys can clearly see, MCQs ho gaye hai khatam. Now time for the 5 fill in the blank type questions. Okay, a lot of you keep asking me ki humko bahut method dikhane honge, procedure dikhane honge. Na na na. All you have to do is, you just have to write the correct answer. Poore statements copy karne ki koi zarurat nahi hai. Final answer likhne ka, 1 mark lene ka, aur apna baaki ka paper complete karne ka. Now start reading. Okay, so the direction ratios of the vector where A is this and B is this is what? Yani you have to create 3A plus 2B, to likh lo. Thrice of A, yani 3 plus 4, 7 I cap. Okay, this will be 3 minus 8, so minus 5 J cap. And I'll have minus 6 plus 10. I have been asked to write the DRs. Dekho, yahan mat chhod dena. DRs matlab you just have to write the coefficients. So please answer ye dena, ye mat dena if you want full 1 mark. Please make a note. Okay, I hope you are keeping a track of your scores. But more than that, I hope you guys are learning. Okay, question number 12 ki taraf on your screens now. For what value of lambda the vector this and this are perpendicular? Ha 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 ha. Ab is question ka kya hoga? You already know, I'm sure nikal diya hoga. Dot product is 0, so 2 plus 2 lambda minus 3 is a shunya. That means lambda becomes half. Agar aa gaya hai na, to ye wali smile mujhe fada fad se chat box mein dikha do. And make sure ki abhi tak nahi kiya, to hit the like button and subscribe to Vedantu Math. Okay, time for question number 13. Please read this super carefully. Alright, the projection. Ab dekho, the projection of vector this on vector b is 4 units. So, yahan pe aapka projection ka simple formula poocha hai. So, this is going to be a dot b upon magnitude of B is equal to 4. Let's do this. So this is going to be 2 lambda plus 6 plus 12 upon magnitude of B is 4 plus 36 is 40 plus 9. So root 49 is equal to 4. Fada fad se karo solve. Batao mujhe kya aa raha hai answer. 2 lambda plus 18 is equal to 7 into 4, 28. So 2 lambda ho gaya hai 10. Lambda is equal to 5, so 5, high 5 to each one of you. Please make a note. Okay, time for question number 14. 14 saal ka vanvas milega agar ise galat kiya. Please read this super carefully. Alright guys, so you have to find magnitude of x if A is a unit vector. Main to karne wali hu baaye haath se, aap decide kar lo whichever way. So x minus A, x plus A, yaar, this is going to give me magnitude of x square minus magnitude of A cap square. This is going to be 15 plus 1, 16. So magnitude of x, that's what they're asking, yes, is going to be 4. Itni si baat hai. Itna sa question tha. Chalo ji jaldi se keh do ki answer 4. Alright, time for question number 15. Chalo dekhte hain how many are going to add up to crack this one. So if you know the basic definitions, ye question tha halwa, isn't it? What is this going to be? Magnitude of A into magnitude of B is equal to cos theta is equal to magnitude of A
into magnitude of b e into sine theta. Now understand yaar, n cap likhne ki zarurat nahi because there's already the magnitude sign. Kat gaye dono ke dono kat gaye, tan theta equal to 1 aaya, ho ho theta equal 2 pi by 4. Alright, time for question 16, the sweet 16. Let's crack this one. Okay, write the angle between these two vectors. Hi, this is too simple a question. Why? Because A cross B and B cross A may difference kitna hota hai? One is upwards, one is downwards. So basically, kya hai? They are anti-parallel. Matlab ki pi. Oh my god, I'm hungry. Pi is the answer. Time for question number 17. Dekhe kis kis par bana hua hai khatra. Please read the question. Alright, if A cap, B cap, C cap are mutually perpendicular, ठीक है, समझ लो, यानि mutually मतलब हम और तुम और हम, समझ रहे हो, that means between two, so this means A cap dot B cap dot C cap or C cap dot A cap, they're all going to be zeros, okay जी, unit vectors मतलब magnitude for all of them is a one, then find the value of this. जब भी आपको गाइस, जब भी आपको मैग्नीट्यूड पता करना हो उसका होल स्क्वायर कर लो क्योंकि लाइफ आसान हो जाती है. कैसे? ऐसे 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप होल स्क्वायर इज दिस. Okay, now you don't have to show all these steps. If it's a one marker, directly bhi likh sakte ho. See yaar, A cap dot B cap ya B cap dot C cap ya C dot cap C cap dot A cap is going to be zero. So time mat waste karo, see the common walon ko nikalo. So 4A square plus B square plus C square. Puri dunya ko pata hai A B C yahan 1 hai, to 6 hai. Please, 6 mat likh ke aana answer because you just took a whole square. So that means root 6 should be the answer. This is one of the huge mistakes that is made in the question. So root 6 is the desired answer. Okay, aap logo ko adult ghoshit kiya jaye, isse pehle aapko is video ko like karna hoga. Tabhi to I'll go on the 18th question. Yes? Giving you 3 seconds to do that and subscribe to Vedantu Math. Because it's absolutely free. It has bowl full of videos for your 12th, for your 11th, for your JEE, for your NDA and coming up with many, many more. Kar liya hoga? Chalo. Let's go aage. Question number 18 on your screens now. Okay. Let's do it. ये तो question बाएं हाथ का खेल है. तो अगर आप दाएं हाथ से लिखते हो तो बाएं से लिख लो वरना उल्टा कर लो. Answer सही आना चाहिए. First you're going to get your vector a minus vector b, which is going to be 1 minus 3 minus 2 i cap. Okay, 2 minus this is plus j cap and minus 1 plus 4, so 4 k cap. Okay जी. Now I'm going to divide it with the magnitude. क्यों? क्योंकि unit vector लाना है ना. So this is going to be 4 plus 1 plus 16. तो यानी पूरा का पूरा as it is copy paste होने वाला है upon root 21 करके. Please make a note. आ गया answer? बड़े question 19 की तरफ? Okay, on your screens now. Alright, find magnitude of A minus B if the vectors are such that ye hai, ye hai, ye hai. Abhi bataya na tumko secret mantra, jab bhi magnitude ho, usko square kar lene ka. Alright, so I'm just writing it directly, par matlab samjho technically, agar 4 marker hai ya 2 marker hai, to A minus B dot A minus B, write that properly. Okay, so this is going to be this, this, and this.
एंड यू नो टू योर फोन मार्कर में ये भी जरूर लिखना, क्योंकि वेन यू मल्टीप्लाई ना यू गेट ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, सो यू हैव टू राइट डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. बट ये सब यहाँ पे नहीं, इट्स जस्ट अ वन मार्कर. सो आई एम गोना गेट 4 + 9 - 10. द आंसर इज 3. रॉन्ग. द आंसर इज √3, क्योंकि होल स्क्वायर लिया था ना. प्लीज मेक अ नोट. ओके, टाइम फॉर अनदर राउंड ऑफ लाइक्स. लाइक. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ. एंड इसके बाद आप कमेंट करने वाले हो अपने स्कोर्स. बट गाइज, बिफोर वी डू दैट, एंड सेम वे, अगर आप लोगों को लग रहा है यार आप प्रिपेयर अपने आप से नहीं कर सकते हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली इफ यू कैन डू ऑन योर ओन तो वेरी वेरी वेल डन, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. बट इफ यू फील यू नीड गाइडेंस, यू नीड कस्टमाइज्ड गाइडेंस. देखो, यूट्यूब पे आई एम देयर, आई एम हेल्पिंग यू फॉर फ्री एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो. लेकिन हर बच्चे की जरूरत अलग है. किसी को लाइव क्लास देखनी है, किसी टाइम देखनी है, डाउट सॉल्विंग चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, all that is under one roof. So you can also refer to JEE's crash course, jahan pe you get the live classes not only by the best teachers but the best teachers in the field of IIT, which is very important. Comprehensive testing, doubt solving, theek hai, aur agar kuch miss kar jate ho to you can watch the replay. All the important tips and tricks, and jo sabse badi baat hai na, testing ke sath sath प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस जो आपको मिलता है इस क्रैश कोर्स में, एंड अगेन एट अ वेरी वेरी बेसिक प्राइस. तो इस टाइम मैं जैसे बोलती हूँ यार, ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट है. दो महीने बाद ना ये सब आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन जब रैंक आएगी वो डेफिनेटली याद रहेगी, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू. सो इफ यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वाले लिंक के साथ, इफ यू अप्लाई द कोड NAGCC, you get it at a very very nominal price, which is 2959. जैसे कि मैं कहती हूँ, अभी आपके बोर्ड एग्जाम के बाद भी गाइस 15 दिन होंगे, तो जान लगा दो या फिर जाने दो. थिंक अबाउट इट. ओके, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 20 एंड इसके बाद टाइम फॉर योर सुपर स्कोर्स. ओके, एबीसी या को प्लानर, यार ये तो हमें पता है ना क्या कंडीशन है को प्लेनरिटी की. इतना बना दिया है, बनाना मत. ओके, सो एवरीवन सॉल्व एंड सॉल्व करके गाइस मजा आएगा, समझ भी आएगा, क्योंकि आंसर लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा. टाइम फॉर स्कोर 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 स्कोर. फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि व्हाट इज द स्कोर. ऑलराइट, अगर अभी तक वेदांतु के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो यार जाके करो तो सही, देखो तो सही ऐसा क्या है जिसके कारण गूगल ने दिया है इसे यूजर्स चॉइस अवार्ड. ओके, सो डू डाउनलोड इट फ्रॉम योर प्ले स्टोर. ओके, ये नहीं किया तो क्या किया. वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जाके डाउनलोड कर लो, सो दैट यू गेट ऑल द फ्री PDFs ऑफ माई सेशन आफ्टर द वीडियो. ऑल्सो यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई एम ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ होता है शेयर डेली स्केड्यूल. एंड गाइज, यू कैन ऑल्सो डिस्कस योर क्वेरीज इन द गिवन टाइम. अब और क्या चाहिए. ऑलराइट, ये तो करना बनता है यार. फटाफट से तीनों चीजों को कर दो. वीडियो को लाइक तो करो, बिकॉज इवन आई नीड मोटिवेशन. सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ, तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कसम जो आने वाले हैं अभी. ऑलराइट, एंड I will see you guys super duper duper super soon. Till then, thank you so much for watching. Bye bye. I'm waiting for your scores in the comment section below.